हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 3। सो जल्दी से लाइव आ जाइए और यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आप सबके साथ आए। फ्रेंड्स, मैं अनअकैडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके नवदीप कौर सर्च कीजिए और यहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि मेरे सभी लेसन्स ईजी टू अंडरस्टैंड वे में आपको यहाँ पर मिलते रहे। जब भी आप कोई लेसन देखते हैं तो प्लीज़ अपने रिव्यू ज़रूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको ये लेसन्स कैसे लग रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ANA सेल करी अपनी कार 10% लॉस पे, ठीक है, और इफ़ बी सेल इट फॉर, इसने बी को सेल करी, ठीक है, और अगर बी सेल करता है इसी को 54,000 में और उसको गेन होता है 20% का, तो ए का कॉस्ट क्या था। सो इसको चेकआउट करना बड़ा ही आसान तरीका है इसको करने का भी। सी, ये जो बी है ना, बी ने सेल किया इसको और गेन किया 20%, यानी कि इतने रुपीज़ में उसने सेल किया, ठीक है, ये तो हमारा इतने रुपीज़ में उसने सेल किया और इसको बेनिफिट कितना हुआ 20%, यानी कि ये कितना वाला अमाउंट है, ये 120 वाला अमाउंट है ना, तो इसका 100% कितना आया होगा, यानी कि इसने कितने में ख़रीदा होगा, ये वाला अमाउंट यहाँ से आ जाएगा। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 45,000, उल्टा करके आएगा, ये सीधा सीधा चल के नहीं आ पाएगा आंसर, पीछे से आगे जाएंगे हम, ठीक है। अब ये तो अमाउंट आया कि बी ने कितने में ख़रीदा था, अब हमें ए का अमाउंट चाहिए, ए का कैसे लेंगे। अब 45,000 में जो बी ने ख़रीदा है, ये ए को इसको लॉस हुआ था 10%, सो ये वाला कितना अमाउंट है, दिस इज 10% लॉस, यानी कि 90। अब आप कहोगे मैडम ये कहाँ से आ रहे हैं, ये 100% में से 20 ऐड किया, 120 हो गया, 100% में से 10 माइनस किया क्योंकि लॉस हुआ है 10%, 90% हो गया। अब ये 90% इसका निकालेंगे इनटू 100 करके, सो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके से निकाला कि बी ने कितने में बेचा, 120 वाला पार्ट है ये क्योंकि इसको बेनिफिट हुआ है। अब इससे 100% निकल जाएगा। अब सी की, बी की कॉस्ट कितनी आई 45,000। ए की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ए को इससे 90% में इसने बेचा है, तो अगर ये वाला अमाउंट 90 है तो 100 कितना होगा, ऐसे करके निकाला हमने तो 50,000 आंसर आ गया, आंसर इज सेकेंड वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट वाला यूनिट भी है आपके एग्जाम में, सो उसको समझते हैं। ₹1200 इज लेंट आउट, यानी कि वो 1200 रुपीस लेंट आउट करे उसने, उधार दिए 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साल के लिए उसने दिए, अब अमाउंट चेक करना है, ठीक है। पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है आपको, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P(R)T/100। अब अमाउंट देखना है, अमाउंट कैसे आएगा, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है इंटरेस्ट, है ना। सो इसके अंदर जब मैं प्रिंसिपल को ऐड कर दूंगी तो अमाउंट आ जाएगा, अभी समझ में आ रहा है। ये जो प्रिंसिपल है इसके अंदर हम इंटरेस्ट वाले पोर्शन को ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, देन मैं आपको नेक्स्ट इसके आंसर पे लेकर जाऊंगी। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। देखो इसके अंदर प्रिंसिपल कितना है, क्वेश्चन दूसरा आ गया था, प्रिंसिपल कितना है इसके अंदर 1200, ठीक है। इसके अंदर इसका रेट क्या है 5% P(R)T, टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, ये तो इंटरेस्ट वाला पार्ट हो गया, प्लस यहाँ पे करना है 1200। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, 12 × 5 × 3 × 3 15 × 12 कितना होता है, सो आपका आंसर क्या आया, 180 हुआ था, ठीक है। 1200 + 180 कितना हो गया 1380 आंसर। अभी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन अ सम ऑफ 5000, 5000 का सम था, इसके ऊपर इंटरेस्ट 3 साल में मिला, इज ₹1500। अब ये इंटरेस्ट का अमाउंट आपको दे दिया गया है 1500, 1500। अब इसका रेट निकालना है, जब आपको इंटरेस्ट पता है 1500 तो आप इसका इंटरेस्ट रेट निकाल लो। पहले आप खुद ट्राई करेंगे,
देन मैं आपको आंसर दूंगी, ठीक है? जस्ट पॉज द वीडियो। ओके, सो अब आंसर देती हूँ। सी, ये जो 1500 है ये आपको मिला हुआ है, पी इंटू जो इसका रेट है। हम देखो लेस जो भी क्वेश्चन है उसका जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है? सो लेट अस डू इंटरेस्ट, जब उसने बता दिया पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये चीज़ आपको गिवन है। जो जो वैल्यू गिवन है वो सब लिख दो, आपके पास रेट आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? 5000 इंटू थ्री इंटू थ्री ईयर्स था ना रेट डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर इसका इंटरेस्ट ही गिवन है, एक्चुअली रेट नहीं, ये सीधा सीधा इंटरेस्ट है। सो 1500 यहाँ पर लिख दिया। अगर ये रेट होता तो परसेंटेज में होता ना, लेकिन ये सीधा सीधा है तो इसलिए नीचे 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10%। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क है ना, योर होमवर्क इज फॉर्मूला बताओगे आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहले आप कोशिश करोगे बिना इधर उधर देखे कमेंट सेक्शन में लिखने का, ठीक है? और उसके बाद आप चाहे गूगल सर्च मार लो, जो मर्जी कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं भी आपको करवा ही दूंगी, ठीक है? पहले बिना इधर उधर देखे सोचो आपने माइंड से कि क्या हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अनअकैडमी में मेरा कंप्लीट कोर्स आया हुआ है पेपर वन का 2019 के लिए, और इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ मैं करवाऊंगी, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अपडेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप ये बड़ा वाला कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि ये है 6400 का, तो आप ये 999 rupees वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं कंप्लीट डेटा इंटरप्रिटेशन कवर करवाऊंगी। उसके अलावा मेरा लॉजिकल रीजनिंग, जो भी लॉजिकल रीजनिंग है उसमें ये सारा का सारा कंटेंट पढ़ाऊंगी मैं, 999 rupees का ये कोर्स है। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट ड्रीम करो, बिलीव करो और आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? फ्रेंड्स, फेसबुक पे नव क्लासेस का जो पेज है उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और पेज मेरा वाला वही है जिस पर मेरी फ़ोटो लगी है, ठीक है? क्योंकि डुप्लीकेट पेज भी लोगों ने बना दिए हैं, सो मेक श्योर कि आप मेरा पेज ही लाइक करें अगर करना है तो। ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं नव क्लासेस का, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस लेसन्स के भी मिलते रहे। थैंक यू।